गंदी है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे टेंट लगाना होगा। ये देखो आप कितने पत्थर है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 20th मार्च और ये मेरा लास्ट डे है कल्पा में। यहाँ से अब मैं किन्नौर जाऊँगा या फिर पू जाऊँगा, देखूँगा रात होने से पहले पहले। जहाँ पे भी कोई मेरे को ढंग की जगह मिल गई वहीं पे मैं कैंपिंग करूँगा। और ये व्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, वो मैं आगे बताऊँगा जब मैं बाइक राइड कर रहा हूँगा। टाइम हो गया है 12:01 और चलता हूँ अभी कुछ खाऊं पीऊँगा, रिकॉन्ग पियो या फिर देखता हूँ कहीं ढाबे पे, और खा करके फिर आगे निकलता हूँ। या फिर अगर मेरा वही एसके ढाबा खुला होगा तो पूछता हूँ, अगर वो लंच बन जाएगा तो खा के फिर निकलता हूँ। और भाई देख सकते हो ये रहा पूरा सेटअप लगा रखा है, अपना लैपटॉप बैग ले लिया और नीचे पूरा बैग जो है वो लाइक स्कूटी में पैक वैक कर दिया है। तो अभी चल के नीचे दिखाता हूँ। और ये लास्ट टाइम आप देख लो डॉर्मेट्री, आज थोड़ा सा वेदर क्लाउडी है, देखते हैं क्या होता है। एनीवे चलता हूँ आगे, चलता हूँ पेमेंट करता हूँ, पेमेंट करके फिर निकलता हूँ। चेकआउट कर, हाँ निकलते हैं। चलो भैया गौतम, बस अच्छे से हमें पहुंचाना। चलो हे बुद्ध, आई होप आगे थोड़ा सा वेदर खुले। आप देख सकते हो सामने थोड़ा क्लाउडी वेदर है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अभी चलता हूँ एसके ढाबा पे, अपना लंच करता हूँ लास्ट टाइम और फिर उसके बाद निकलता हूँ यहाँ से। और हाँ भैया से मैंने एक बात कर ली है, मेरा रेफरेंस दे करके जो भी होटल कल्पा में लाइक अगर आता है वहाँ पे स्टे करता है डॉर्म में या फिर नॉर्मल रूम जो उनके हैं, तो जो भी बेस्ट प्राइस होगा वो बेस्ट प्राइस आपको देंगे। बस आप मेरा नाम बताना, अगर मेरा नाम हो सकता है कि उनको ना याद हो तो एक बार मेरा व्लॉग दिखा देना, तो उनको फेस से तो याद हो जाएगा। आप लोगों के लिए ये भी चीज़ें मैंने कर दी है, जा करके आप बढ़िया आराम से इंजॉय करो। एक चीज़ है, आप वहाँ पे रुकोगे ना 100% बोल रहा हूँ प्यार हो जाएगा, वर्थ इट है वहाँ पे स्टे करना। इसके लिए मेरे को कुछ ऐसा पे नहीं किसी ने किया है जो मैं बोल रहा हूँ, ये बस मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था यहाँ पे। बहुत फ्लफ़ी बेड होगा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, और ठंडियों में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट होता है तो आप वो चला के अपना सो तो देखो भाई क्या मज़ा आता है। तो चलो हम पहुँच गए इसके ढाबा, देखते हैं पूछते हैं भैया से। अच्छा चलो बंद किया हुआ है इन्होंने, चलो फिर नीचे ही चलते हैं, नीचे ही कुछ खाते पीते हैं। भाई ये बैग देख रहे हो ना, ये देख लो आप, अभी इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो भाई अभी मैं रिकॉन्ग पियो से निकल रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ किन्नौर या फिर पू, देखते हैं कहाँ पे अच्छी लोकेशन होगी, कहाँ पे नाइट स्टे करना है। कैंप में ही करूँगा और वही अपना खाना पीना बनाना वो सारी चीज़ें, अब सब कुछ वहीं पे जाकर डिसाइडेड होगा। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है मैं, बस अपना सामान पैक किया, चेकआउट किया और रात होने से पहले पहले 4 बजे तक जहाँ भी स्कूटी पहुँच जाएगी, 4 मैक्सिमम 5 क्योंकि वेदर भी बहुत अजीब सा है, तो मेरे को ऐसा कोई शेल्टर देखना होगा जहाँ पे मैं बारिश वगैरह भी हो रात में इनकेस तो मैं उससे भी बच पाऊँ। तो अभी अनप्लान्ड है, या तो किन्नौर या तो पू, इन दोनों में से कोई एक जगह होगी। और जो अभी मैंने आपको बैग दिखाया था वो बैग में एक फोल्डेबल पेट्रोल टैंक आप बोल सकते हो, वो मैं दिखाऊंगा, पाउच जैसा है, अमेजोन से लिया था। 10-10 लीटर का दो बैग था मेरे पास, मतलब 10-10 लीटर का दो बैग लिया था, 250 रुपये के आसपास शायद था, 250 या 300 के आसपास, एग्जैक्ट रेट याद नहीं है। उसमें मैंने 5.32 के समथिंग मैंने उसमें पेट्रोल डलाया है और पूरी गाड़ी का टैंक फुल करा लिया है। क्योंकि भैया से पूछा कि नेक्स्ट पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि काजा वाले रूट पे अब काजा मिलेगा, उसके बाद कोई मतलब उससे पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और यार अभी तो कुछ खा नहीं पाया मैं क्योंकि रिकॉन्ग पियो मेन मार्केट से नहीं गया मैं, एक बाईपास रोड पड़ती है वहाँ से निकल गया मैं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे। 800 रुपये टोटल राउंड फिगर हुए। ये सारा कुछ जो है मैं आपको लास्ट
वीडियो में बता दूंगा कि कितना मेरे राइड पे खर्चा हुआ है, कल्पा की राइड पे कितना खर्चा हुआ। और अब जब मैं कल्पा से आगे की तरफ निकल रहा हूँ तो काजा तक का मेरा है, फिर काजा के बाद मैं आपको टोटल बताऊंगा कि पूरा काजा की राइड तक कितना मेरा खर्चा हुआ है, पूरा घूमना फिरना हर एक चीज़ को लेकर के। और कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है व्लॉग, अच्छा लग रहा है, मेरी राइड अच्छी लग रही है आपको, और आप भी ऐसे ही बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर लेना जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए, और लाइक शेयर ज़रूर करना अगर आपको पसंद आता है तो। नहीं पसंद आता है तो भाई कोई बात नहीं, कॉमेंट ही करके सजेशन ही दे देना कि क्या पसंद नहीं आया। तो ये भाई यहाँ से तो हम यू टर्न लेंगे, ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में लिखा है काजा पू के लिए इधर से यू टर्न लेना है, रामपुर सांगला के लिए और शिमला के लिए बिल्कुल सीधे जाना है। और गैस अपनी राइड में मैं काजा तक, काजा के बाद देखेंगे कैसा है कैसा नहीं, बट काजा तक भी क्या, अब मैं होटल उसी टाइम पे लूँगा जब मुझे वीडियो एडिट करना होगा, अपलोड करना होगा और नहाना होगा, और या फिर बहुत कंफर्टेबली सोने का मन कर रहा है कि आराम से थोड़ा सा फ्लफी बेड पे सोना है, ऐसा कुछ अगर मन करेगा उसी टाइम पे मैं अब होटल लेने वाला हूँ। अदरवाइज़ यहाँ से जहाँ तक भी पॉसिबल होगा मैं वहाँ तक सिर्फ अपने टेंट में रुकूँगा, क्योंकि टेंट लेकर के मैं लाइक कैरी कर रहा हूँ अगर टेंट को तो उसका कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए ना। सोचो भाई जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यूरेशियन और इंडियन प्लेट, सोचो वो किस स्पीड से टकराई होगी कि सारे के सारे इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन बन गए। अब पेट्रोल वगैरह है ना तो लिटरली हेडेक ही खत्म हो गई, अब लग रहा है कि कोई टेंशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ये देखो भाई पानी गिर रहा है ऊपर से, इसी वजह से ना अंदर ही अंदर पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, उसकी वजह से पत्थर ढीले हो जाते हैं। Don't be a gamma in the land of llama. ये सारे जितने भी लेबर हैं ना सब नेपाल से हैं, कुछ लोग होंगे जो इधर उधर से होंगे, क्योंकि मैं कई लोगों से पूछा तो ये है कि उनका कहना है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो अपना जा करके नेपाल में ही रहने लगेंगे, बट अभी यहाँ पे पैसा अच्छा मिल जाता है कटाई खुदाई में तो इस वजह से। It is always better to be late than being late, mister. आगे एक विलेज है ये सामने दिख रहा है, इस पिलाव नाम है इसका, तो अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने को मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका भाई भूखा ही राइड करेगा, क्या कर सकते। ये जो साइड में छोटे छोटे आपको वाइट वाइट घर दिख रहे होंगे इसमें भाई लेबर रहते हैं, सिर्फ एक रूम है उसी में किचन विचन सब होगा, तो ये भी एक लाइफ है भाई।
कौन भी आप हो? खाना मिल जाएगा अभी? खाना? हाँ खाना वेज ही होगा। हाँ वेज ही चाहिए। क्या होगा? थाली मिल जाएगा, थाली में अभी मिक्स दाल हो जाएगा, वेजिटेबल हो जाएगा, राइस चपाती करी। वेज थाली लगा दो। कितना? एक लगानी। आप यहीं के लोकल हो? जी सर, मैं यूपी। कहाँ से हो? बनारस। अरे यार मैं आजमगढ़ का हूँ। आजमगढ़? वही तो, मुझे लग ही रहा था इसी वजह से पूछा। चलो भाई, पेट पूजा हो गई। यहाँ पे आपने देख ही लिया, हिमानी भोजनालय में खाया, 120 रुपए लगे। खाने के बाद भाई ऐसे रोड, ये तो गड़बड़ है मामला। खाना खाया अभी, रोड तो थोड़ी सही होनी चाहिए थी। पू 20 किलोमीटर, आज पू में ही रुकेंगे, कैंपिंग पू में करूँगा, किन्नौर में नहीं कर रहा। वाह भाई कितना खुला खुला लग रहा है। भाई सामने का व्यू देखो, कितना कातिल व्यू है। ऐसे रोड गई हुई है, फिर इधर से एक माउंटेन निकला है, फिर उसके पीछे से माउंटेन, फिर उसके पीछे से पूरा ऐसे कवर कर लिया है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार। लाइफ इज नेवर लाइक अ स्मूथ रोड, गो स्लो। जी सर, बताना। हवा आप लोगों से बात ही करने नहीं दे रही है, धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है, अदरवाइज हवा चल रही है ना तो स्कूटी भी इधर उधर भाग रही है। SBI का ATM वगैरह भी है यहाँ पे। दाल चावल, वो पोटी चावल, पोटी चावल पता नहीं क्या है। आंटी आप लोकल हैं यहीं से? ये पोटी चावल का क्या मतलब है? पोटी चावल क्या है? पोटी चावल? हाँ पोटी चावल तो वो नहीं होता है, बकरे के बकरे का अंदरूनी जो होता है। अच्छा 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 अच्छा, वो और चावल। अच्छा थैंक यू। लड़कियाँ थी वो सब हंसने लगे, बच्ची थी छोटी छोटी। नमस्ते जी, नमस्ते। लोकल हैं आप? एक मिनट सुनिएगा सर, यहाँ पे मुझे टेंट लगाना है, कहाँ लगा सकते हैं? कहाँ पे? जहाँ ईटा रखा है वहाँ लगा सकते हैं? पत्थर उत्थर गिरने का तो डर नहीं है? वो कोई बोलेगा तो नहीं वहाँ पे? भाई जरा एक बार ऊपर जा रहा हूँ मैं, अंकल ने एक जगह बताई है, वो जगह देख लेता हूँ, अगर कंफर्टेबल होगा तो यहीं पे रुक जाऊँगा। यहाँ से व्यू भी बढ़िया है और अभी नेटवर्क भी देखना होगा एक बारी कि नेटवर्क कैसा है। जगह तो यार गंदी है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे ही टेंट लगाना होगा। ये देखो आप कितने पत्थर हैं, ये सब पूरा मेहनत करनी पड़ेगी, साफ़ करना पड़ेगा, कांटे वांटे ना हो ना, क्या करूँ। टाइम अभी 3:38 हो रहा है, 3:38, थोड़ा और आगे चलता हूँ, पूछ लेता हूँ वहाँ पे और कई लोगों से, अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो ये तो है ही है भाई। इस जगह की बस अच्छी चीज़ ये है कि बगली में पानी है, बाकी ये है भाई देख लो हमारी गौतम। ओहो यहाँ पे तो भाई बिल्कुल
नदियाँ बह रही हैं ऐसा लग रहा है, पूरी गली में पानी ही पानी है, कहीं से ग्लेशियर का पानी आ रहा है। ये भाई यहाँ के लोकल लोग। यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है आंटी, ये लास्ट है क्या है ये? नहीं नहीं ये कुछ है क्या? किसका? अच्छा अच्छा वो मॉनेस्ट्री है क्या? अच्छा तो यहाँ पे लोग इसी को देखने आते हैं? हाँ जी इसको देखने आते हैं, ऊपर भी है, ऊपर 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 इधर को, इधर भी मॉनेस्ट्री है। अच्छा ऊपर तो नहीं है? हाँ हाँ कहाँ? अच्छा 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 ठीक 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 दिख गया तो ऊपर है वो, नहीं यहाँ पे। हाँ ठीक ठीक देख लिया, जैसे झंडा नहीं लगा? हाँ 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 वहाँ पर भी मस्त है, वहाँ भी देखते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पे शायद तारा लगा हुआ है। तो मॉनेस्ट्री के लिए हम जा रहे हैं भाई, बगली में एक आंटी होती हैं उनके पास चाबी होती है, चाबी लेकर के हम मॉनेस्ट्री में जा सकते हैं। बाकी ये देख सकते हो ग्लेशियर का पानी है। नमस्ते जी, मॉनेस्ट्री देखने आया था, चाबी होगी क्या? पास तो बड़ा कोई नहीं, वही देख लेते हैं। मैं चलता हूँ ना, चाबी से आप खोल देना दोस्त, कहाँ पे ना, बस आप खोल के फिर चले जाना, बहुत प्यारा घर है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं? हाँ जी भाई, यहाँ बुद्धिस्ट है। सिर्फ बुद्धिस्ट हैं? हाँ जी बुद्धिस्ट है। अच्छा कोई हिंदू नहीं है यहाँ पे? अच्छा 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 मेजोरिटी बुद्धिस्ट के। हाँ शूज निकाल दूँ ना? ये है भाई एक छोटी सी मॉनेस्ट्री है, ये आप देख सकते हो। कौन सा चैनल है आपका? वंडरर पाजी। कौन सा? वंडरर पाजी। ये है भाई देख सकते हो आप, ये प्रेयर व्हील्स है, बाकी तो यही है और मेजॉरिटी आपने सुनी लिया होगा बुद्धिस्ट यहाँ पे ज्यादातर। मैं तो अभी कल्पा से आ रहा हूँ। हाँ आप बोलो, कुछ बोलना है? कुछ नहीं कुछ बोलना है? बोलना है गैस, अभी अभी बच्चे काफ़ी कुछ बोल रहे थे, जैसे ही कैमरा ऑन किया सारे भाग गए। कुछ तो वो सब्सक्राइब, हाँ सारे लोग एक साथ ही बोल दो यार, लाइक सब्सक्राइब ही बोल दो करने के लिए। गाइस सारे बच्चे बोल रहे हैं बेशर्मो, अब तो कर दो। चलो ठीक है, बाय गाइस बाय। अरे नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, कोई नहीं। मजा आता है आप लोग को यहाँ पे? क्यों एंजॉय नहीं करते? एंजॉय नहीं करते? हाँ फुल एंजॉय। अपलोड करूंगा तो देख लेना जो जो बोला हुआ है, ठीक है? भाई से पूछ लेना, पाजी वे वंडरर, वंडरर पाजी। चलो बाय भाई, बाय बाय। और बेशर्मो आप कर दो सब्सक्राइब, या अभी भी देख देख के ही जाना है, ना लाइक कर रहे हो ना कमेंट कर रहे हो, और सब्सक्राइब तो बहुत दूर की बात है, देख के लाइक कमेंट भी नहीं कर रहे। नमस्ते जी, लोकल हैं आप? नाको में नेटवर्क है क्या? है। इंटरनेट वगैरह चलता है नाको में? अच्छा हाँ। कितनी दूर यहाँ से होगा? यहाँ से होगा कितना टाइम लग जाएगा मुझे पहुँचने में? क्या वो आधा एक घंटे पहुँच जाएगा? एक घंटे पहुँच जाएगा। अच्छा थैंक यू जी। बाकी रोड आप देख सकते हो भाई, रोड ये थोड़ी सी ऐसी है। अब देखो वही चीज़ हुआ ना कि जब कहीं पर रुकने का दिल ना करे तो ज़बरदस्ती भी करने की ज़रूरत नहीं है, और इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है। तो अब देखो भैया से बातचीत हुई, इन्होंने बोल दिया नाको के लिए कि नाको जाके रुको, वहाँ पे लेक भी है, तो सही है बढ़िया, अपना वहीं लेक पे रुकेंगे नाको पे।
टिप्पू की जर्नी यहीं ख़त्म करते हैं, अदरवाइज व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट जर्नी अब स्टार्ट होती है पू से नाको की, वहाँ पे मैं नाइट कैंपिंग करूँगा। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।